कार्यक्रम को विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट बनाने में जो सक्रिय सहयोग मिला, इसके लिए भवानी मंडी व्यापार महासंघ की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज के समारोह को विशिष्ट बनाने में जो भूमिका मंचासीन अतिथियों ने निभाई है, जो समय आपने प्रदान किया है और इसे अति विशिष्ट बनाया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। व्यापार महासंघ के नवीन भवन के लोकार्पण अवसर पर पधारे हुए मंचासीन पद्म आदरणीय डॉक्टर अरोड़ा साहब, चेयरमैन गैलाजी बोरा साहब, आरटीएम के प्रशासक वशिष्ठ साहब, व्यापार संघ के पदाधिकारी राधेश्याम जी, प्रतिपाल जी, बकरू भाई, धर्मजी घोटेवाले साहब, नवीन जी जयसवाल साहब, हीरालाल जी विजाव साहब, नरेश जी और प्रधान जी, वाइस चेयरमैन साहब, वकील साहब कैलाश जी, लोकेश जी, परमादरणीय भटनागढ़ जी और मंच पर विराजमान सीआई साहब और अन्य पदाधिकारीगण, सामने विराजमान व्यापारी बंधु और नागरिक बंधु, मेरे ख्याल से 2013 के लगभग 11 या 12 में व्यापार महासंघ का गठन हुआ था, 12 में, जब मेरा पदस्थापन भवानी मंडी में ही था। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जिस तरीके से व्यापार महासंघ ने पहले सुरक्षा मोर्चा था व्यापार संघ के द्वारा, चाहे समाज की सुरक्षा के लिए सामाजिक सरोकार और सभी गतिविधियों में व्यापार महासंघ द्वारा जब जब समय आया और इन्होंने भाग लिया, और इसके अलावा पुलिस हो या प्रशासन हो, जब कभी हमें चाहे कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी हो या अन्य कोई सामाजिक सरोकार के कार्य करवाने हो, तो आप लोगों से डिस्कस करके और वो काम अपन ने किया। आप लोगों का सहयोग हमेशा पुलिस और प्रशासन के प्रति बना रहा है। पिछले एक वर्ष डेढ़ वर्ष से कोरोना काल की जो विपदा समाज पर आई, उस दौरान भी व्यापार संघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा जिस तरीके से समाज के लिए आगे खड़ा होकर कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय है। प्रथम लहर के दौरान सूखा वितरण, राशन वितरण का काम किया और अन्य सुविधाएं आवश्यक लोगों को जुटाई। इसके अलावा इस बार जब सेकंड लहर आई तो व्यापार संघ को लगा कि अस्पताल और अन्य जगह जहां पर पीड़ित के परिजन जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो व्यापार संघ ने बहुत ही सराहनीय कार्य ये किया कि उनके लिए ताज़ा भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए। इसके अलावा भी जैसे मैंने प्रतिपाल जी से बात करी, मैंने कहा हमारी जो सर्वे टीमें लगी हुई है उनके लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं है। प्रतिपाल जी ने मना नहीं किया, तुरंत हाँ करके हमें उपलब्ध कराए और हमारे भवानी मंडी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वे टीमें लगी हुई थी उनको सभी को पीड़ित थे जो भी थे, जो संक्रमित थे उनकी ऑक्सीजन सिचुएशन नापने के लिए ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया है, इस आयोजन कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद रिश्ता कर रहे प्रधान आदरणीय श्री डॉक्टर साहब जगदीश अरोड़ा साहब और इसी कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि एल राजश्याम जी और हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल सिंह जी, हमारी विधायिका श्री स्नेहलता जी, हमारे भवानी मंडी के DYSP साहब श्री गोपी चंद जी मीणा साहब, तहसीलदार जी राजेंद्र जी मीणा साहब, भाई साहब हमारे पूर्व विधायक और हमारे आदरणीय सम्मानीय हम आदरणीय श्री ईश्वर जी भटनागर साहब और आरटीएम से आए हुए श्री प्रशासन श्री शर्मा जी और हमारे वाइस चेयरमैन साहब अनिल जी वर्मा और मेरे पार्षद साथी श्री विनय जी आस्तवलिया जी, दर्पण जी राकेश जी दर्पण साहब और नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री कार्यशाला भी सारा प्रशासन वहीं लगा हुआ था डेल वी का, तो मैं वहाँ जाके वापस पुनः
जो अधूरा पट्टा है बाकी रह गया है इसको जल्द से जल्द दिलाने की मैं यहाँ पर महासंघ को पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी से पूरा पट्टा मिलके वापस ये भवन निर्माण पूरा मूर्त रूप ले और यही मैं भगवान प्रार्थना करूँ जल्द से जल्द पूरा बने। मंच पे आसीन जो है सभी भामाशाह, बड़े सौभाग्य की बात है कि जब इसका भूमि पूजन हुआ था जो आज जिस बिल्डिंग के लोकार्पण में हम लोग सम्मिलित हैं उस दिन भी मैं जो है यहाँ पे उपस्थित था एज ए मुख्य अतिथि और दोबारा से आमंत्रित करने के लिए जो है मैं व्यापार महासंघ का बहुत बहुत आभारी। आप सभी को ये भवन जो है लाभदायक रहे, आने वाले समय में जो है जो भी व्यापारिक गतिविधियां जो रहे आप लोगों का व्यापार जो है और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और भगवान से यही प्रार्थना है कि बिल्डिंग जो है इसका केंद्र बने और आपकी जो भी यहाँ पे मीटिंग्स हों आने वाले में या यथा संभव जो भी आपने आयोजन इसमें जो है मानस बनाया है इसको करने का वो सभी आपके सक्सेसफुल हों ऐसी जो है मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सभी व्यापारी बंधुओं को इस भवन के बनने पे और आज लोकार्पण पे बहुत बहुत बधाई। प्रीतपाल सिंह जी का व्यवहार जो है बहुत अच्छा रहा है, खासतौर पे जब से आप जो है अध्यक्ष बने हैं, हालांकि मेरा भी कार्यकाल यहाँ पे जो आरटीएम के अंदर में 3.5 साल के आसपास रहा है लेकिन इनके साथ में बहुत अच्छे संबंध जो है हमारे रहे हैं। आरटीएम एक वृद्ध उद्योग है और व्यापार महासंघ जो है छोटे छोटे अनेक उद्योगों का जो है समूह है, संघ है और हमारे आपस में भी जो है बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सभी आदमियों को मालूम है, भवानी मंडी के जो है सभी नागरिक जानते हैं कि आपने कोरोना काल में जो है कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। भोजन वितरण से लेकर मैं एक बार नून हॉस्पिटल में किसी काम से गया था तो वहाँ भी आपकी जो है थैली किसी डॉक्टर साहब के वहाँ पे जो है खाने का जो है वो जो वितरण करते थे आप जो है वो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया तो मैंने पूछा कि भाई जो है तब आपके इस प्रोग्राम के बारे में मुझे मालूम पड़ा और मैंने कहा इस संकट की घड़ी में भी ये सेकंड वेव के अंदर जितने क्रिटिकल था उसमें भी आप ऐसा काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके अलावा जो है आपने कोरोना वितरण में जो होम्योपैथी की दवाइयाँ उससे बहुत सारे जो इवन आरटीएम के अंदर भी जो है वो प्रोग्राम किया गया, आरटीएम के वर्कर्स को भी जो है हम लोगों ने होम्योपैथी की जो है दवाएं वितरित करवाई। पूर्ण विश्वास है कि आपने जो दवाएं समय से वितरित करवाई उसका जो है यहाँ आसपास में इलाके में लोगों को पूर्ण लाभ मिला होगा। पर्यावरण व्यवस्था में जैसे कि आपने बताया उसमें आरटीएम ने भी सहयोग किया और आपने जो है अपने घर अपने दम पर और महासंघ ने भी अपने दम पे जो है घर घर जाके जो है जो बैग्स का वितरण किया वो भी काबिले तारीफ है। बाकी अपना रिपोर्ट कार्ड तो जो है प्रीतपाल सिंह जी ने आप लोगों को दिया ही है और मेरा तो कहने का मतलब ये था कि व्यापार महासंघ अपनी उपस्थिति जो है शहर के अंदर में अनेकों रूप से जो है दर्ज कराता रहा है और इसके लिए ये सब जो है बधाई के पात्र हैं। हमारे नगर के वरिष्ठ जन रहे हैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन साथ ही यहाँ पधारे हुए समस्त व्यापारीगण सभी का स्वागत। मैं जो अभिभाषक परिषद भवानी मंडी को व्यापार महासंघ द्वारा एक जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी चुनाव की दी गई है उसका निष्पक्ष रूप से और पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी अभिभाषक परिषद की तरफ से भूमिका रहेगी और आपको कहीं भी इस प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ विशेष रूप से मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोरोना महामारी की जो गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी है
उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए, उन नियमावलियों का पूरा पालन करते हुए और प्रशासनिक अनुमति के अनुरूप हमारी जो ये चुनाव समिति का गठन किया है, उनने तय किया है कि आगामी 1 अगस्त को हम व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को व्यापार महासंघ की जो नियमावली है, जो विधि है, उसके अनुरूप चुनाव संपन्न कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप समस्त व्यापारी बंधुओं का इस चुनाव प्रक्रिया में पूरा सहयोग रहेगा और हम सब प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए इस चुनाव को संपन्न विधिवत करवा पाएंगे। मुख्य ध्येय व्यापारियों की समस्याओं को लेकर किया गया था। उसके बाद फिर व्यापार संघ का गठन हुआ, उसका ध्येय भी यही था कि व्यापारियों की हितों की रक्षा करना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि व्यापार महासंघ अपने इस प्रकल्प के अलावा जो समाज सेवा कर रहा है, जो समाज सेवा की है, तो यह संस्था समाज सेवा संस्था बन गई है, तो ज़्यादा बन गई है और व्यापारी के हितों की रक्षा करने वाली संस्था कम बन गई है। क्यों? कि व्यापारी जागरूक हो गए हैं, उनकी समस्याएं निश्चित ही धीरे धीरे कम होते बहुत कम हो गई। अब जो आवश्यकता है वो ये है कि हम समाज की सेवा में अधिक से अधिक रुचि लेवें और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएं। आज जो व्यापार संघ की उत्कृष्ट उपलब्धि है वो ये भवन है। आप देखिए कि ये भवन की कीमत 50 लाख के करीब है। ऐसा भवन, इतनी कीमत का भवन मुझे लगता है कोटा डिवीज़न में कहीं भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका कि व्यापार संघ मालिक आज बना। इस सबके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सारे व्यापारी जिम्मेदार हैं। सारे व्यापारियों की मैं प्रशंसा करूँगा, धन्यवाद करूँगा। हर व्यापारी ने हर समय पर बहुत सहयोग दिया है और हर एक्टिविटी के अंदर पार्ट लिया है, जो हमारी प्रगति का कारण भी यही है कि सभी व्यापारियों का हमारे साथ सहयोग है। मैं अब अंत में सब लोग जो बराजे हैं, उसके अलावा जो दानदाता हैं, एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने है, वो आधा भवन तो बन चुका है और आधा प्लॉट खाली पड़ा है। तो हम निश्चित ही केलाजी बोरा की तरफ देखते हैं, इनके सहयोग से वो पूरा होगा, हमें ऐसी आशा है। हमारे पिछले 8 साल के कार्यकाल में सरकारी ऑफिसर्स का हमेशा सहयोग बना रहा है, उन्हीं के सहयोग की वजह से हम निरंतर प्रगति करते रहे हैं, उन्हीं के सहयोग की वजह से हमारी समस्याएं सुलझती गई। कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान टेक्सटाइल मिल हमारे सबके वरिष्ठ और हमारे शहर के भामाशाह डॉक्टर अरोड़ा साहब अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान कैलाशजी बोरा साहब, राधेश्याम जी भैया जी, हमारे नागरिक सुरक्षा मोर्चा के सभी संरक्षक पखरू भाई, कैलाश जी भाई साहब, ईश्वर जी, दुर्गा जी और हमारे आज के इस भवन के जो भामाशाह हैं, नरेश जी वाधवानी है, सरदार भाई सुशन, हीरालाल जी विजावत, नवीन जी जायसवाल और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे प्रधान साहब सुल्तान सिंह जी, उपाध्यक्ष अनिल जी, हमारे माननीय तहसीलदार जी, पूर्व विधायिका स्नेहलता जी और सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं व्यापारीगण, आप सबका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रोग्राम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, इस प्रोग्राम को ये भवन एक हमारे व्यापार संघ का और हमारा सपना था, जो कि हमने जब हमारी कार्यकारिणी की शपथ 24 अगस्त 2018 को मैं अध्यक्ष बना और हमारी कार्यकारिणी जो बनी थी, उससे पूर्व व्यापार संघ से, मैं पिछले जब से व्यापार संघ बना हुआ तब से 2012 से व्यापार संघ से जुड़ा हूँ। हमें एक चीज़ की कमी मुझे विशेष तौर पर खलती थी कि हमारे पास व्यापार संघ के पास इतने व्यापारी
और इतना सक्षम हमारा शहर और इतना सब कुछ है, हमारे पास कोई ऐसा परमानेंट जगह नहीं है, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ से हम कोई प्रोग्राम संचालित कर सकें। पहले हम जैसे और भी ड्रेस वितरण वगैरह प्रोग्राम करते थे, तो वैसे हमें कोई धर्मशाला मना नहीं करते हैं, जैन बॉडी हो, मेड़ताल धर्मशाला हो, सिंधी धर्मशाला हमने पिछले साल कोरोना में काम में ली, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ फंस जाती थी कि कोई जगह शादी ब्याह की वजह से खाली नहीं होती थी। तब मन में एक ख्याल आया था कि हमारा भवन होना चाहिए, और जब मैं अध्यक्ष बना तब मेरे को ये हमने ये सपना देखा था, तब तो ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। मेरे को 1% उम्मीद थी कि हम मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत कठिन कार्य था, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम और मैं और मेरी कार्यकारिणी, हम इसके लिए भवन के लिए प्रयासरत रहे, और हमने जब शपथ ग्रहण के टाइम भवन की आवश्यकता को महसूस किया, उसके बाद हम हमारे प्रयास में लगे रहे। हमने कई कोशिशें की, कई जगह जमीन देखी, हमने पहले सरकारी तरीके से कोशिश की और प्रयास किए, और सरकारी तौर पे हमारी इच्छा थी कि हमें व्यापार संघ को, हमारी संस्था को कोई सरकारी जमीन, कोई इसी किसी तरीके से अलाट हो जाए, उसमें हमने प्रयास किए। 4-6 महीने के प्रयास के बाद हमें ऐसी जानकारी मिली कानूनी रूप से कि जो संस्था 3 साल तक रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होने के 3 साल बाद उसको सरकारी जमीन अलाट जो मुफ्त में की जाती है किसी भी संस्था के लिए, वो हो सकती है। तो हमने इसी पर्पज से हमारी संस्था को रजिस्टर्ड, तो हमने मेरे शपथ ग्रहण से पहले 24 अगस्त का शपथ ग्रहण था, उससे 2-3 दिन पहले हमने रजिस्टर्ड करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम जब देखा कि हमने 3 साल के पॉइंट को हम नहीं कर रहे पूरा, तो फिर हमने हमारे स्तर पर, मैंने हमारी कार्यकारिणी ने, हमने हमारे स्तर पर जमीन के लिए तलाश जारी रखी। और जब पिछले साल कोरोना में किट वितरण के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ी पिछले साल मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे जब हमने सिंधी धर्मशाला से वो सारा प्रोग्राम चलाया, संचालित किया, उसके बाद तो विशेष तौर पर फिर हमें फोकस हो गया कि अब अपने लिए एक भवन, व्यापार संघ की एक जमीन और एक भवन होना बहुत ज़रूरी है। तब हमने बातचीत शुरू की, और किस्मत से, योग संयोग, या कह सकते हो आपके भाग्य, या सपना पूरा करने की चाह, कि हमारा इस मामले में मेरी बातचीत संजय जी पाटनी और गिरिराज जी पत्रकार हमसे बैठ के हुई। उन्होंने एक बार क्या हुआ, भाई साहब श्री धर्मचंद जी जैन घोटा वालों से चर्चा करी और मेरे को बुलाया और हमने बैठ के बातचीत करी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबसे पहले धर्मचंद जी भाई साहब का, कि उन्होंने हमारा सपना पूरा करने के लिए जो सबसे प्रथम हमारी आवश्यकता थी वो हमें जमीन उपलब्ध कराई, और उसके लिए हमें जमीन की दान पट्टा लिख के दिया। उसके बाद फिर हमारा कार्य सेकंड शुरू हुआ कि इस जमीन के लिए अब इसका नगर पालिका से पट्टा बनवाया जाए। तब नगर पालिका में कोई चेयरमैन साहब नहीं थे, और जैसा कि आपको पता है सरकारी कामों में, सरकारी ऑफिसों का क्या हाल है, नगर पालिका के चक्कर हम काट काट के थक गए 3 महीने, कभी तो पट्टा बनाने में काफ़ी सारी परेशानी आई, और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम बताई कि पट्टे में इतने पैसे जमा होंगे। उस पीरियड में हमने श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब ने, मैंने संपर्क किया, और मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी इस भावना को, मेरी भावना को समझते हुए हमारे संस्था का पूरा साथ दिया, और इन्होंने अपना विशेष प्रभाव उपयोग में लेते हुए तत्कालीन जो ईओ साहब थे उनसे कहके और हमारे को ये जमीन का पट्टा अलाट कराया और बहुत कम पैसे में करवाया। इसके लिए मैं कैलाश जी चेयरमैन साहब का आभारी हूँ, और वैसे भी इनको हम कोई काम बताते हैं, अभी भवन का काम चल रहा था, हमें लाइट की आवश्यकता थी, हमने इनको फ़ोन करके एक ही बार कहा था कि लाइट लगनी है, तो 2 घंटे में लाइट लगवा दी। चेयरमैन साहब का व्यापार संघ को हमेशा अच्छा सपोर्ट रहा है। अब जब जमीन का पट्टा हमें अलाट हो गया, जमीन के पट्टे के लिए मैंने डॉक्टर साहब से चर्चा की। डॉक्टर साहब से हम जो भी व्यापार संघ का हम काम करते हैं, सबसे प्रथम सारी राय, सारी शुरुआत, हमारा सारा मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर साहब ही करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब का नेचर ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने कभी भी अपने दर पे आए, अपने घर आए, अपने पास आए, किसी व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया। जब हमारा पट्टा बन गया, उसके बाद 8-15 दिन बाद में डॉक्टर साहब से जाके मिला, हमने जाके मुलाकात करी, और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब ये भवन है और 20-25 लाख रुपये का खर्चा है,
और अपन सभी व्यापारियों को परेशान करेंगे 11, 21, 31, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि अपन इसको 10-15 भामाशाहों को साथ लेके और इस भवन को एक बार तो शुरुआत तो करें। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को एक ही बार में ये कहा, मेरे साहब शुरुआत आपसे करनी है और अच्छी शुरुआत करनी है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को सिर्फ एक लाइन बोली कि जो तेरी मर्जी है वो बोल दे। मैंने कहा साहब आपके नहीं, जो तेरी इच्छा है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा साहब आपसे मेरे को 5 लाख रुपए की उम्मीद है। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हमारे सपने को, इस सपने को साकार करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर साहब का रहा। और फिर डॉक्टर साहब की एक बार शुरुआत होने के बाद फिर हमें रास्ता मिल गया और हम उस रास्ते पर चल पड़े। उसके बाद हमें फकरू भाई ने 2,51,000 रुपये, नवीन जी जायसवाल ने 1,51,000 रुपये, श्रीमान नरेश जी वाधवानी जी ने 1,32,000 रुपये, कमल जी सुरेखा ने 1,25,000 रुपये, और इसी तरीके से मुकेश जी कारपेंटर ने 1,15,000 रुपये, अशोक जी पटेल और गिरीश सोमानी, और फिर हमने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन की भी तारीफ में इससे करना चाहूँगा कि उनको उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष आप, एसोसिएशन का भी मैं 12 साल से अध्यक्ष हूँ। मैंने उनके सामने, हम मात्र 17 मेंबर हैं, मैंने एक मीटिंग करके कहा कि मैं अपने को 1 लाख रुपये अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी देना है। तो सारा हमारे 17 ही मेंबरों ने हाँ भर दी और तुरंत हमने 1 लाख रुपये की घोषणा करके 1 लाख रुपये ऑटोमोबाइल एसोसिएशन दे दिए। और उसके बाद हमने सराफा एसोसिएशन से भी 1 लाख रुपये मिले। इस तरीके से हमारे पास 18-19 लाख रुपये का दान हो गया। और मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है, ये इस भवानी मंडी की खासियत है कि मैं जिसके पास भी गया, चाहे वो नरेश जी भाई साहब हों, चाहे नवीन जी हों, चाहे कमल जी हों, चाहे मुकेश जी हों, मैं जहाँ जितनी उम्मीद लेके गया उससे डेढ़ ही पैसे लेके आया। किसी ने मेरे को किसी भी बात के लिए किसी ने मना नहीं करा। जो जिससे सवाल करा उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। और आप सबके प्रयासों से और आप सबके योगदान से, आप सबके सहयोग से आज हम इस भवन का जो हम उद्घाटन करने, लोकार्पण करने जा रहे हैं, इसका हमने भूमि पूजन शंकराचार्य जी महाराज द्वारा 17 जनवरी 2021 को कराया था। तभी से काम शुरू करना था, लेकिन फरवरी में मेरी तबीयत खराब होगी तो मार्च तक हम काम नहीं चालू कर पाए। हमने 7 मार्च को काम स्टार्ट किया और आज आपके सामने ये भवन तैयार है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये भवन संपूर्ण नहीं है, अभी ये हमारे व्यापार संघ की एक शुरुआत है। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि इस साल भी कोरोना आया तो हमने भोजन बांटा, भोजन वितरण की जो व्यवस्था करी उसके लिए भी हमें दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ा। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट था कि ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए एक छोटा मोटा भवन तो हमारे पास होना चाहिए, तो वो पूर्ति तो हमारी हो गई है। जब आगे कोई भी ऐसे प्रोग्राम 100-150 आदमी तक की मीटिंग, ये चीज़ें तो हम यहाँ कर पाएंगे। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारे व्यापार संघ को आगे नहीं रुकना है, ये अभी शुरुआत है। इसको हम चाहते हैं, हमारी चाह है कि आगे भी हमारे पास एक प्लाट और है जिसकी हमने फाइल लगा रखी है, लगभग मंजूर किया है, तो ये इसको बड़ा करके एक बन जाए और बड़ा हाल हो जाए। उसके बाद ऊपर एक डबल मंजिल पे बड़ा सभागार बने, जो भवानी मंडी का एक ऐतिहासिक सभागार हो, जहाँ कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी आके अपना प्रोग्राम कर सके। ऐसा और आगे भी मुझे उम्मीद है कि सभी से हमें मिलती रहेगी मदद और सभी से सहायता मिलती रहेगी, हम इस काम को इसी तरह आगे करते रहेंगे। इसके अलावा अभी 29 जुलाई को मेरा और मेरी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं बहुत ही संक्षेप में हमारे 3 साल में व्यापार संघ द्वारा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्यापार संघ वैसे तो व्यापारियों की संस्था है, और व्यापारियों की संस्था ज़्यादातर देखने में है कि सिर्फ व्यापारिक हितों के लिए ही ज़्यादा काम करती है। हमने व्यापारिक हितों के लिए तो जो जरूरत थी वो सारा काम किया ही है। उसमें जब जिस व्यापारी को जिस तरह की हमें व्यापारी के लिए ज़रूरत पड़ी, हमने उसकी उस प्रशासन से मांग रखी, और यहाँ किसी भी तरह की जो भी हमारी आवश्यकता पड़ी हमने उसके लिए तो किया। लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि हम जहाँ से, जिस जगह से, आज जिस शहर से सारे व्यापारी हम कमा के खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हिस्सा इस शहर के सामाजिक कार्यों पर भी खर्च होना चाहिए। इसके लिए हम लगातार सामाजिक हितों के कार्यों में भी प्रयासरत रहे। हमने सबसे पहले 2018 में ब्लड कैंप का आयोजन किया, जो शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी तक भी झालावाड़ में सबसे फर्स्ट अभी भी वही है। 325 यूनिट रक्तदान हमारा हुआ था, जो कि एक ही कैंप में आज तक मेरे ख्याल से अभी अपने आसपास के एरिया में तो अभी तक भी नहीं हुआ। उसी दिन उसके बाद हमने फिर अर्जुन के पेड़, जो कि आयुर्वेदिक पौधा है,
उसके लिए गौशाला के वहाँ हमने 58 पौधों का रोपण किया व्यापारियों के सहयोग से, और खाली हमने पौधा रोपण करके नहीं छोड़ा, उसको पूरा संभालने की, बड़ा करने की जिम्मेदारी ली, और हमने उसमें इस आज तक भी अभी भी हमारा आदमी हुआ है, मैं हफ्ते में एक बार मैं जाता हूँ, हमारे और कार्यकारिणी के लोग, दुर्गा जी और भी लोग जाते हैं, प्रकाश जी, सभी लोग जाके वहाँ पे देखते हैं, हमने पानी रखा हुआ, आज काफ़ी अच्छे पेड़ हो चुके हैं, तो उस पर भी हमने ध्यान दिया। उसके बाद राजेश जी डागा साहब यहाँ SDM आए थे, उस पीरियड में प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि प्लास्टिक पॉलीथीन के खिलाफ एक अभियान होना चाहिए, प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, तो राजेश जी डागा साहब के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग करी, उन्होंने कहा अपन क्या कर सकते हैं, फिर हमने चर्चा करी, तो कपड़े के थैले जिसकी अच्छी क्वालिटी बनी, जो अभी भी बाजार में नज़र आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमने 12-13 RTM वगैरह और भी जो भी अस्पताल, डॉक्टर साहब का अस्पताल, नवजीवन अस्पताल, नून अस्पताल, सभी से सहयोग लेके हमने 14,000 थैले बंटवाए बनाए, और लेकिन उनको बनाने के अलावा ऐसा नहीं कि हमने थैले बनाए, थैले बना के हम खुद घर घर जाके उन थैलों को बांट के आए, और हमने लोगों को समझाइश दी कि भाई प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। इसके अलावा प्रशासन ने हमसे दो बार हमें आग्रह किया कि मतदाता जागरूकता, तो हमने तो एक बार मतदाता जागरूकता के पंपलेट भवानी मंडी बंटवाए थे, और एक बार स्टिकर बनवा के सब गाड़ियों पर लगवाए। इसके अलावा जब पिछले साल कोरोना काल में एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक दवाई आती है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक RSNET L130, उसकी हमने 26,000 किट बना के, वो भी हमने घर घर जाके एक पंपलेट के साथ किट दिया है, और लोगों को कहा कि आप ये ले हैं, उससे भी मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे शहर में इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ा और उसका फर्क आया। उसके बाद जब पिछले साल कोरोना आया तो जो कुछ लोगों को रोजगार की दिक्कत आई, कोई परेशानी थी, तो हमने राशन किट वितरण चालू करा, उसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चलाया, और लगभग 1400 राशन के किट हमने एक कोरोना फंड करा, और मुझे फिर बताते हुए खुशी कि हमारे व्यापारी यहाँ के इतने दिलदार हैं, इतने दिलेर हैं, और इतने सक्षम भी हैं, और इतना विश्वास रखते हैं, कि मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ फ़ोन पर व्यापारियों से चर्चा की, जिसमें हमने 10,55,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, और उससे हमने फिर किट बांटे थे। इसी तरह इस साल जब कोरोना आया तो हमने महसूस किया इस बार कि रोजगार की इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन बाजार सारा बंद था, होटलें सारी बंद थी, नाश्ता कचौरी समोसे खाना कहीं नहीं मिल रहा था, और भवानी मंडी से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिए के लोग यहाँ अस्पतालों में भर्ती थे, तो मरीज और मरीज के परिजन खाने के लिए बहुत परेशान होते थे। नून अस्पताल में कैंटीन है तो भी वहाँ दिक्कत आती थी, ये चीज़ हमें जब महसूस हुई।